नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है 37,463 का, और यहां पे अगर एक चीज़ ध्यान से देखें तो कंटिन्यू यहां पे हम 6-7 डे यहां पे एक रेंज बना के चल रहे हैं। पिछले 6 दिनों से हम एक रेंज के अंदर में यहाँ पर फंसे हुए हैं, और इस रेंज के ऊपर या नीचे बैंक निफ्टी एक अच्छी मूवमेंट आपको दे सकता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में 38,000 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो इसका टारगेट वापस हो जाएगा 38,800, और उसके बाद 39,580। ये दो टारगेट ऊपर की साइड में निकल के आएंगे अगर ये ऊपर की रेंज को यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की साइड में निकलता है तो। अगर ये नीचे की साइड में ध्यान रखिएगा 37,200 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है और उसी के नीचे ये क्लोज करता है तो वापस जो हमने ब्रेकआउट किया था, जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था, हम उसके पास आ सकते हैं और यहाँ पर एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को सबसे पहले 36,800 उसके बाद 36,000 के पास में लेके आ सकती है। तो बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट जोन के अंदर में फंसा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। ध्यान रखिए, कंसोलिडेट के बाद जिस साइड में ये निकलेगा वहां पे आपको 800 से 1000 पॉइंट की एक मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अब इंपॉर्टेंट है कि ये किस साइड में ब्रेक करता है। ये ध्यान रखिएगा, नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मूवमेंट काफी फास्ट होगी और ये यहां से 800 से 1000 पॉइंट काफी तेजी से गिर सकता है, और हो सकता है कि नेक्स्ट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी आपको लेते हुए दिखे वो जो हमारी रेंज रहेगी वो रहेगी 35,000 से लेकर के 36,400 के बीच में शायद ये सपोर्ट ले, जहां पे पहले हमने कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट हमने किया था, शायद इसी लेवल के आसपास कहीं पर यह सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। लेकिन जो ये मूवमेंट होगी, जो इसके नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो ये वाली जो मूवमेंट आपको दिख रही 37,200 से लेकर के 36,400, ये मूवमेंट काफ़ी फास्ट मूवमेंट होगी, तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। ऊपर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस आ रहा है कंटिन्यू। जब भी हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे जैसे हम 38,200 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो टारगेट यहाँ पे बड़े निकल के आएंगे और बैंक निफ्टी 40,000 को भी यहाँ पे टच कर सकता है। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी है कि हम किस साइड में यहाँ पे ब्रेक करते हैं। बहुत अच्छा जोन बना हुआ है, बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये जिस साइड में ब्रेक करेगा यहाँ पे ऑप्शन में पैसा इंट्राडे में काफ़ी तेज़ी से आपको बनते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा इस जोन में, किस जोन के बाद ये किस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हुए बैंक निफ्टी यहाँ पर दिखता है। अब चलिए 50 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि 50 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी हमें मंडे के सेशन में कब बाइंग करना है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, अगर आप भी हमारा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर या ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी, स्टॉक्स के चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल वहाँ पर डालते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अब 50 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे हमने देखिए तो 12 तारीख को हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके हमने ऊपर की साइड में मूवमेंट किया, लेकिन ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके हमने यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाई और वापस यहाँ से हम नीचे की साइड में आ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा जो कि यहाँ पे 37,300 के आसपास है। ध्यान रखिए, अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पर ओपन हो, यानी 550 से लेकर के यहाँ पे 450 के बीच में कहीं पे ओपन होता है या 400 के बीच में कहीं पे ओपन होता है और इसी रेंज को यहाँ पे ब्रेक करता है, पहला जो हमारा मूवमेंट होगा वो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 37,400 के लेवल को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, ध्यान रखिएगा ओपनिंग 4,000 के ऊपर होनी चाहिए और उसके बाद ये 4,000 को ब्रेक करते हुए दिखेगा तो पहला टारगेट हमारा रहेगा। अब ये ध्यान दीजिए कि बैंक निफ्टी क्या, बैंक निफ्टी अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है, यानी 37,550 से लेकर के 37,400 के बीच में कहीं पे ओपन होके अगर ये नीचे की साइड में 37,380 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 37,220 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 37,050 का, और थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 36,900 का। ये तीन टारगेट हमारे बैंक निफ्टी पे रहेंगे अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में, यानी 550 से लेकर के 400 के बीच में कहीं पे ओपन होने के बाद ही नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो काफ़ी फास्ट मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही ये 37,380 लेवल को ब्रेक करेगा यहाँ पर हम 37,400 की पुट लेंगे। ध्यान रखिएगा, 37,400 की पुट में मूवमेंट काफ़ी ज़बरदस्त होगी, तो यहाँ पर आप नज़र बना के रखिएगा 37,400 की पुट सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी यहां पे 37,250 जाता है तो इस पुट में आपको कम से कम 30% का रिटर्न यहां पे मिलते हुए आपको दिखेगा, 30% से ज्यादा ही थोड़ा रिटर्न यहां पे मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पुट आप बाइंग कीजिएगा 37,400 की, और आप अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना व्यू है। लेकिन इसी जोन में ओपन होने के बाद में अगर ये ब्रेकआउट करे, ब्रेक डाउन करेगा, तब ध्यान रखिएगा अगर हम इसी जोन में ओपन होते हैं और इसी जोन में ओपन होने के बाद में यहाँ पे थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा, यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रा करता हूँ और यहाँ पे
यहाँ पर भी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ। अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे 650 के लेवल को क्रॉस करता है ऊपर की साइड में, जैसे यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को हमने ब्रेक डाउन पहले कर दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए मैं इसको ड्रा करता हूँ, अगर इसी जोन में ओपन होता है यानी 500 से लेकर के 620, तो बैंक निफ्टी अगर 37,620 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर थोड़ी देर होल्ड करने दीजिएगा। अगर ये देखिए नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, तो जैसे ही ब्रेक करेगा पहले मिनट में ब्रेक करेगा, पहले मिनट में हम पुट ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ऊपर की साइड में निकलने के लिए 37,620 के ऊपर थोड़ी देर इसको होल्ड करने दीजिएगा। उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 37,750 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 37,880 का, और फोर्थ टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे 38,000 के आसपास का। तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल है कि इस लेवल के पास में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, जब कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे तो यहाँ पे हम 37,600 की कॉल ले सकते हैं छोटी क्वांटिटी में। देखिए पुट में हम एक नॉर्मल जो हम ट्रेड करते हैं, अब मान लीजिए अगर आप डेली 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हम 100 ले सकते हैं, लेकिन कॉल साइड में हम यहाँ पे 50 क्वांटिटी यानी आधी क्वांटिटी यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि पुट साइड का जो मोमेंटम होगा वो फास्ट होगा। कॉल साइड में आपको देखेंगे 37,050, फिर 37,900, फिर 38,000, ये सारा रजिस्टेंस एरिया है, तो थोड़े थोड़े मूवमेंट आपको मिलेंगे, अप एंड डाउन करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो काफ़ी फास्ट नीचे की साइड में जा सकता है, तो पुट काफ़ी सेफ होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा पुट ओपन होने के लिए 37,550 से लेकर 37,400 के बीच में ही बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद में नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एक मूवमेंट आपको फास्ट मूवमेंट दिखेगी, जो हमें चाहिए होता है, जो ऑप्शन बायर के लिए फास्ट मूवमेंट चाहिए होता है ना 100-150 पॉइंट का, तो वो फास्ट मूवमेंट आपको काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे जरा मैं आप लोग को आवरली चार्ट दिखाता हूँ, एक बार फिर से आप लोग को बता दूँ, अगर आप हमारा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर या ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी रेंज बना के रखा हुआ है, इस रेंज का ब्रेकडाउन अगर होगा तो काफ़ी तेज़ मूवमेंट मिलेगी, जैसा कि फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा 36,000 आवरली चार्ट पे, जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो मुझे दिख रहा 36,000 के आसपास में, तो यहाँ पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी आवरली चार्ट पे इसको ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे पोजीशन बैंक निफ्टी फ्यूचर की पोजीशन लेके भी जा सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 37,650 का क्लोजिंग, आवरली चार्ट पे अगर 37,650 क्लोज करे तो यहाँ से निकल जाइएगा। कब इसको ट्रेड कब करना है, जब ये 37,300 के नीचे ट्रेड करेगा, अगर आप फ्यूचर लेना है तो 37,300 के नीचे ट्रेड करने दीजिएगा, तब ये अच्छा खासा एक मोमेंटम आपको यहाँ पे दे के बैंक निफ्टी जा सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।